गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एन टू लेज़र का जो हम कंटिन्यू करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन रह गई थी। तो सबसे पहले हमारे पास इसकी आउटपुट किस फॉर्म में हो रही है, क्योंकि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो रैपिडली डिस्ट्रॉय हो रहा है। किस वजह से? मॉलिक्यूल्स जो हैं सी स्टेट से बी स्टेट में बहुत जल्दी आ रहे हैं। सी स्टेट का लाइफ टाइम क्या है? शॉर्ट है, वो नैनो सेकेंड में है। बी का किस में है? माइक्रो सेकेंड में। तो आप लिखेंगे कैसे? एज पॉपुलेशन इन्वर्जन इज़ रैपिडली डिस्ट्रॉयड by accumulation of molecules in lower level and after this laser action is self terminating, means इसके बाद हमारा laser action क्या कर जाएगा? stop कर जाएगा। तो बहुत जल्दी जल्दी population inversion जो है, population difference रहा ही नहीं B और C के बीच में, तो population inversion हमारे पास नहीं रहा तो laser action भी क्या कर जाएगा? stop कर जाएगा। this laser action is self terminating, terminate कर जाएगा। और so it operates in पल्स बेसिस, इसमें हमारे पास कंटिन्यूस नहीं मिलेगी। कंटिन्यूस वेव जिसको आप सी डब्ल्यू बोलते हैं, सो इट ऑपरेट्स इन पल्स बेसिस। इसके बाद जो लेजर पल्स है कितने टाइम के लिए रहती है हमारे पास? दैट लास्ट ओनली फॉर 7 to 10 नैनो सेकेंड। नैनो है ये। नाउ लेजर ट्रांजिशन जो हमारे पास हो रही थी वो कितने वेवलेंथ पे मिल रही थी हमें? लेजर ट्रांजिशन अकर्स एट लैम्डा इज इक्वल टू 337 नैनोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने पे? सबसे ये मेन पॉइंट है, कितने पे हमारे लेजर ट्रांजिशन मिल रही है? तो 337 नैनोमीटर पे। इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन टू लेजर इज गिवन इन फिगर। ये हमारे पास इसका डायग्राम है, जिसमें हमारे पास ये ट्यूब है। ट्यूब के अंदर हमने अपनी नाइट्रोजन गैस फिल की हुई है। एक मिरर लगा हुआ है, एक साइड विंडो लगी हुई है। विंडो की क्या है? वेरी हाई ट्रांसमिशन है और हमारे पास यहाँ से लेज़र मिल रही है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें? ड्यू टू ये हम वोल्टेज लगा रहे हैं 20 किलो वोल्ट के अबाउट, जो कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से मिल रहे हैं। ड्यू टू सेल्फ टर्मिनेटिंग ट्रांजिशन लेजर ओसिलेशंस टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लीफाइड स्पोंटेनियस एमिशन। इसमें बार बार क्या हो रहा है? सेल्फ टर्मिनेटिंग ट्रांजिशन मिल रही है। तो जो लेजर हमें ओसिलेशंस मिलेंगे वो किसकी फॉर्म में मिलेंगे? स्पोंटेनियस एमिशन के फॉर्म में मिलेंगे। बाकी क्या मिलते थे? स्टिमुलेटेड एमिशन के फॉर्म में, एम्प्लीफाइड के फॉर्म में मिलते थे। मीन्स स्पोंटेनियस एमिशन क्या था? रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं वो रेंडमली हो रही हैं, इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्शन में नहीं होते। तो पीक पावर कितनी मिल रही है हमें इससे? काफ़ी हाई मिल रही है, मेगावाट में, 1 मेगावाट। इसके बाद क्या है? एक्साइटेशन हम लिखेंगे एन टू मोलिक्यूल्स कम्स थ्रू देयर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स। व्हेन? कब? एक्साइटेशन एन टू मोलिक्यूल्स का कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब वो कोलाइड कर रहे हैं। और ये कोलिजन कब हो रहा है? व्हेन ए पल्स्ड हाई वोल्टेज ऑफ अबाउट 20 किलो वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब। ट्यूब के अक्रॉस हमने 20 किलो वोल्ट वोल्टेज अप्लाई की है, जिससे क्या हुआ? नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स थे वो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन हुआ और उसके बाद मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए? हमारे हायर एक्साइटेड स्टेट्स में। और N2 गैस जो ट्यूब के अंदर फिल की हुई है वो कितने प्रेशर पे काम कर रही है? N2 गैस एट ए प्रेशर ऑफ अबाउट 100 टोर इज फ्लोइंग थ्रू दी ट्यूब। ऑन वन एंड ऑफ ट्यूब ए मिरर इज यूज्ड व्हाइल ए विंडो यूज्ड ऑन दी अदर एंड हैज़ ए वेरी हाई ट्रांसमिशन। जो ट्यूब की लेंथ है वो कितनी है? 0.1 से 1 मीटर। तो सभी आप राइट अप में लिखेंगे। इसके बाद इसके यूजेस कहाँ हो रहे हैं? जब मैंने डाई लेज़र का टॉपिक डाला था तो उसमें लिखा भी था, डाई लेज़र में अगर हम पल्सेस की फॉर्म में चाह रहे हैं तो नाइट्रोजन लेज़र यूज़ कर सकते हैं। तो दीज लेजर्स आर यूज फॉर पम्पिंग सूटेबल डाई लेजर्स, पम्पिंग के लिए। इसके बाद इसके पर्टिकुलर एडवांटेजेस क्या रहे हैं हमारे पास? जो आउटपुट मिल रही है काफ़ी हाई पावर की मिल रही है, ये तो हमने देखा था 1 मेगावाट। तो हाई पीक पावर, वेवलेंथ जो है शॉर्ट है, 337 नैनोमीटर के अंदर है, आप देख रहे हो। इसके बाद इसकी जो है पल्स ड्यूरेशन है वो काफ़ी शॉर्ट है, वो भी नैनो सेकेंड में काम कर रही है। और जो एम्पलीट्यूड स्टेबिलिटी है वो भी क्या है? इसकी अच्छी है। तो दैट्स ऑल। अगर किसी के कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स।